हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप यू विल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक्स। क्वेश्चन है इफ 1.2 4.y 6.x.6 एंड 3.5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो एक पैरेललोग्राम है, उसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट सी दिया हुआ है। टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब, जिस तरह से नेमिंग होगा उसी ऑर्डर में इसको भी हमको लेना है, उसी का कोऑर्डिनेट। जैसे मान लिया कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम रख दिया ए बी सी डी। तो जिस ऑर्डर में ए बी सी डी नेमिंग किया है उसी ऑर्डर में इसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स भी लिखना है। इन ऑर्डर का मतलब यही है। तो ए का है 1, 2, बी का 4, वाई, सी का एक्स 6 और डी का 3, 5। ये कोऑर्डिनेट्स है 4 वर्टिसेस का पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें एक्स और वाई का वैल्यू। सी कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं कि एक्स और 6 है, तो इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। और बी पॉइंट में देखते हैं जो इसका कोऑर्डिनेट्स है 4 और वाई, तो वाई का वैल्यू फाइंड करना, मीन्स एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, लेट ए 1.2 बी 4.y सी एक्स 6 एंड डी 3.5 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। अब हम क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये पैरेललोग्राम का ये कैरेक्टर है कि इसका डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ए सी हुआ, दूसरा डायगोनल बी डी हुआ, जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर कट किया, ठीक है। तो ये ओ ए सी के लिए भी मिड पॉइंट होगा और बी डी के लिए भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट फॉर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बोथ। ये दोनों के लिए मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब इसमें कैसे हम पता करेंगे, तो मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे बाई यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। क्या होता है एक्स वाई मिड पॉइंट फार्मूला में होता है क्या, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स के लिए वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसी के आधार पर इसको देखते हैं। तो अब इसमें ए सी डायगोनल्स के लिए ओ का हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो लिख देंगे फॉर ए सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स, एक्स वन प्लस एक्स टू, वन प्लस एक्स हो गया बाय टू, और वाई के लिए हो गया वाई वन, तो वाई वन क्या हो जाएगा टू टू और प्लस सिक्स बाय टू, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा क्या, वन प्लस एक्स
इसको आगे बढ़ाते हैं तो यही 1 + x / 2 और ये हो गया 2 + 6 = 8 हुआ, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हुआ। तो ये हुआ एसी के लिए x और y का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर बीडी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा x1 x2, तो इसके लिए x1 क्या हो जाएगा बीडी के लिए, तो इसके लिए हो जाएगा 4, बी और डी में 3, तो 4 + 3 / 2 एक्स के लिए हो गया। वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई इसके लिए हो जाएगा y + 5, ये हो गया y1 और ये हो गया y2 / 2। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 / 2 और दूसरा क्या हो गया y + 5 / 2। ठीक है, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। अब चूंकि दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है एक ही पॉइंट ओ के लिए ही है तो इसका इसका मतलब आपस में कोऑर्डिनेट्स बराबर होगा, तो लिख देंगे सिंस बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द सेम पॉइंट ओ, सेम पॉइंट ओ के लिए है, तो अब एक्स का कंपेरिजन एक्स से कर देंगे तो ये क्या है मेरा x 1 + x, सो 1 + x / 2 विल बी इक्वल टू 7 / 2। ये है 7 = 7/2। ठीक है, ये है एक्स का 1 + x / 2 = 7/2 और इधर क्या हो जाएगा 4 = y + 5/2। ये वाई के लिए है, ये वाई के लिए है, तो वही यहाँ लिख दिया। अब इस दोनों से एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, दोनों इक्वल है तो ये दोनों 2 को कैंसिल कर देंगे तो 1 + x = 7, तो x = 7 - 1 = 6। ठीक है, अब इधर आते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई होगा और मान लिया 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y + 5 = 4 × 2 = 8 हो गया, तो y = 8 - 5 हो गया, 5 + इधर माइनस हो गया तो y = कितना हो गया 3, तो एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। ठीक है, यहाँ y + 5 = 8 है, 4/1 y + 5, तो 1 से कर दिया y + 5 को तो y + 5 हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, तो y = 8 - 5 हो गया, इधर प्लस इधर माइनस हो गया, y = 3 हो गया। तो लिख देंगे हेंस x = 6 y = 3, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा।